पूरा देश इस वक्त कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। दूसरी वेव जानलेवा साबित हुई है, लाखों लोग मारे गए हैं, कोई ऑक्सीजन की कमी से मारा गया, कोई दवाओं की कमी से मारा गया, कोई वेंटिलेटर की कमी से मारा गया, कोई सरकार की नाकामियों से मारे गए लोग हैं। अगर इस वेव से पहले सरकार चेत गई होती और सबको वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई होती तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे नहीं जाते। अगर सरकार ने समय रहते वैक्सीन का प्रिक्योरमेंट कर लिया होता और लोगों को लगा दी होती, जैसे कांग्रेस सरकार ने एक दिन में 11 करोड़ से ज्यादा पल्स पोलियो की वैक्सीन लगाई है, तो इतनी जनहानि नहीं हुई होती। आज सरकार को चाहिए कि अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी पारदर्शी रूप से लोगों के सामने लाए, वैक्सीन सबको लगवाए, वैक्सीन में एक प्रैक्टिकलिटी लाए और वैक्सीन जल्द से जल्द सब लोगों के पास लग जाए, ताकि ये जनहानि दोबारा से होने से रुक पाए। और ये वैक्सीन जिस तरीके से पहले सारी वैक्सीन मुफ्त लगती थी कांग्रेस के समय में, वैसे ही ये वैक्सीन पूरी तरीके से मुफ्त लगाई जानी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी भी है, ये सरकार का कर्तव्य भी है। हम मांग करते हैं सरकार से कि पूरे देश में वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो और मुफ्त हो, ताकि आगे आने वाली लहर का मुकाबला हर भारतीय पूरी मजबूती से कर सके।